न्याय का भी फैसला होता है इसमें, न्याय नहीं हो न्याय हो। काम तो सही नहीं कर पाया और साथ साथ वो कुछ अन्याय का ही रूप लिया, साथ साथ कुछ उसमें अहम भी है और साथ साथ उचित न्याय होनी चाहिए, है ना, ये हम चाहते हैं। अन्याय तो हम लोग बराबर फैसला देते ही रहते हैं। अभी 3 नल जल का हिसाब है जिसमें एक ही अधूरे है, कभी 4 आना कहीं चलता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपारणी। शिवहर जिले के खुरपट्टी पंचायत के महदेवा गांव में हम हैं और हमारे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच राम विलास राय। कार्यकाल इनका सामाजिक सेवा से रहा है, एक बार ये बतौर सरपंच रह चुके हैं इस पंचायत में और एक बार फिर से ये सेवा करना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। सबसे पहले सरपंच जी, आपका एचटीवी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में सरपंच का जो पद है वो किस रूप से देखते हैं? गरिमा है इसमें और इसमें एक समाज सेवा है और साथ साथ अन्याय न्याय का भी फैसला होता है इसमें, अन्याय नहीं हो न्याय हो, हैं यही सब। तो इससे पहले भी आप एक बार सरपंच रह चुके हैं, फिर दोबारा आप इसके लिए आप आ रहे हैं, कौन से कार्यकाल में आप सरपंच थे इस पंचायत के लिए? 2011 से 16 तक, नहीं ना? हाँ हाँ। इसके बीच में फिर दूसरे कैंडिडेट ने अपना बाजी लगाया, तो क्या वजह रही, मतलब पराजय होने की और हार की क्या वजह? पराजय रहने का कारण है बीच में लोग कुछ कैंडिडेट को खड़ा कर दिए, है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए उसमें दिक्कत हो गई, है ना, यही सब है। तो क्या लगता है अभी जो कैंडिडेट हैं सरपंच है आपके पंचायत के, क्या काम देखते हैं उनका, किस तरह से रूपरेखा रहा है पंचायत के लिए? काम तो सही नहीं कर पाया और साथ साथ वो कुछ अन्याय का ही रूप लिया, साथ साथ कुछ उसमें अहम भी है, अहम की भावना बहुत ज़्यादा है और जातीयता है, कुछ पक्षपात लेते हैं, यही हम नज़र में आया और सही न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या प्राथमिकता होगा, आप किस रूप से इस पंचायत को संचालन करने में भूमिका अदा करेंगे? हम इस पंचायत में गरीबों अमीरों के बीच कोई खाई को दूर करने के प्रयास करेंगे, अच्छाई बुराई पर ध्यान देंगे, हैं, और साथ साथ उचित न्याय होनी चाहिए, है ना, ये हम चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ग्राम पंचायत में कोई मामला बिगड़ता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कि सरपंच का एक क्या रोल होता है, अहम रोल क्या होगा? अहम रोल तो है उसको मिलाने के प्रयास करते हैं हम लोग और ऊपर वाला से भी हम लोग आरजू करके उसको फैसला दिलाना चाहते हैं और समझौता के प्रयास करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे किए उसका भी हम लोग मैंने ऊपर से लेकर के प्रशासनिक स्तर से सुधार भी कराए और क्षमा याचना करके उसको दूर करा दिए। इस बार क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव होना है, इसमें जनता किस रूप से देख रही है आपको, कितना सपोर्ट मिलने वाला है? सपोर्ट तो हम लोगों को अपने नज़र से 50% से बेसी हम लोगों को पक्ष में जाने का पक्ष है, इसलिए कि पूर्व में हम लोग काम किए हैं उसके आधार पर भी व्यवहार भी हम लोगों का गलत नहीं है, वाजिब फैसला हम लोग देते हैं, अन्याय तो हम लोग बराबर फैसला देते ही रहते हैं। अभी भी मैं मठ उठ के लेकर के फैसला दे ही रहे हैं, साथ साथ कोई विवाद होता है उसमें भी हम लोग फैसला दे ही देते हैं, आपस में नापी जोखी का भी फैसला हम लोग दे रहे हैं। पूरे बिहार में नल जल की समस्या एक पूरे जोर शोर से हर पंचायत में है, आपके पंचायत में क्या रूपरेखा है इसका? यहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ बहुत है, इसमें समझिए 75% गड़बड़ है, नल जल की समस्या गंभीर रूप से पकड़ लिया हुआ है। हमारे यहाँ तो एक भी पाइप हल भी नहीं किया, वो सिर्फ बोर हला करके छोड़ दिया हुआ है। नल जल की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है।
वार्ड नंबर में 3 वो नल जल का हिसाब है, जिसमें एक ही अधूरे है, कमी 4 आना कहीं चलता होगा, 12 आना बंदे है, कभी टूट गया, कभी फूट गया, कभी पानी बह रहा है, कभी कुछ है। यहाँ तो हम जिस अथि में है वहाँ तो साफ ही नहीं है, नल जल की समस्या गंभीर बनी हुई है। क्या एक संदेश होगा अपने पंचायत के लोगों के लिए? बताइए। संदेश तो यही होगा कि हम चाह रहे हैं कि इसका सुधार करा लें। आप लोग चाहते हैं कि वाजिब फैसला हो, वाजिब निर्णय हो, साथ साथ जो भी विकास के कारोबार समाज में आवे उसका उचित ढंग से लागू कराना चाह रहे हैं। सारे समस्या जो है सो अपने पंचायत के अंदर में ही सुलझाने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि सुलह समझौता हो, है नहीं, आगे विवाद नहीं फैले, और वो वाजिब निर्णय होना चाहिए, और वाजिब निर्णय होने ही से न विकास होता है, यही सब है समस्या, है न। तो इस विषय में हम लोग समाज से अपील करेंगे कि अन्याय, न्याय और लोभ लालच में नहीं फंसे, क्योंकि 2 पैसा के लोभ से सारा 5 साल बेकार हो जाता है। 5 रुपया लिया, उसके बाद वह 50 रुपया से हाथ धोना पड़ता है, और वाजिब फैसला नहीं हो रहा है, और न वाजिब कारोबार हो रहा है, यही सब समस्या है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाँ। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? हाँ, लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम आप तो ही चाह रहे हैं, जो भी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि फिर से आप आइए, हम लोग सहयोग देंगे, यही हो रहा है। तो ये हैं सरपंच कैंडिडेट, लेकिन पूर्व सरपंच भी इस पंचायत के रहे हैं, और इन्होंने अपना योगदान दिया है, प्रतिनिधित्व किया है इस पंचायत का, सामाजिक सेवा किया है, और इनका इस बार भी दावा है कि ये सारी समस्या को अपने पंचायत में ही सुलझाने का काम करेंगे, कोई थाना प्रशासन का दखलंदाजी इस पंचायत में नहीं होगा। और सबसे प्लस पॉइंट बात, इन्होंने कहा कि न्याय के पक्ष में रहते हैं, न्याय करेंगे, और जितना हो सकेगा अपने जनता की सेवा में अपना योगदान देंगे। जनता कितना सपोर्ट इस बार करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ममता कुमारी यादव के साथ समीला चंपाड़नी, STV न्यूज़।